स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा सातवीं अध्याय सात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, ठीक है, सजीवों में लक्षण एवं वर्गीकरण, ठीक है, जिसका अगर हम इंग्लिश देखें तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर में सजीव होते क्या हैं, है ना, सजीव किसको बोला जाता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं ना, उसके क्या कैसे आप पहचानोगे कि यह सजीव है, ठीक है, उसके वर्गीकरण और आप उसको कैसे वर्ग में बांटेंगे, ठीक है। तो इसी पे क्या है, ये चैप्टर आपका आधारित है कि सजीव क्या है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और कैसे आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, अभी क्या देख सकते हैं, लाइट होगा, है ना, यहाँ पर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, क्या बोलते हैं, पर्दे होंगे, है ना, दीवार होगा, कुर्सी, टेबल, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे क्या हैं आपके आसपास आपको देखने में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ समानताएं होंगी, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, उसमें विभिन्नताएं हो जाएंगी। समानताएं बोलेंगे तो देख सकते हैं आपका जो कुर्सी टेबल है वो एक ही जगह पर रहता है ना, वो ना वो सांस लेता है, ना वो खाता है, ना पीता है। लेकिन अगर वही आप गाय कुत्ता को देखेंगे तो वो क्या होता है, खाता है, चलता है, फिरता है ना, सांस लेता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में समानताएँ क्या क्या हो सकती है और क्या विभिन्नताएं क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं, है ना, तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे वस्तुएं आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या यह सभी समान है या इनमें कुछ असमानताएं दिखाई देती है, तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या वो सब एक समान है या फिर उसमें कुछ ना कुछ क्या है, असमानताएं भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसी वस्तुएँ जिनमें सांस लेने, वृद्धि करने, भोजन करने, अपने समान से उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे सजीव कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ऐसे वस्तुएं, ठीक है, ऐसे चीज़ जो क्या करे, सांस लेते हैं, ठीक है, अपना क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे कि आप पेड़ को देख लो, गाय को देख लो, वो क्या करते हैं, अपने वृद्धि करते हैं, भोजन लेते हैं, अपने समान क्या करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं अपने ही जैसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिनमें होती है उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सजीव आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। तो सजीवों के लक्षण पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सजीव के लक्षण पढ़ने हैं कि आप कैसे जानेंगे। यहाँ पर तो बोल दिया कि सांस लेना है, वृद्धि करना है, भोजन है, लेकिन उसके लक्षण क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। जीवों में श्वसन होता है, ठीक है, जीवों में क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी देखते हैं कि क्या बोलते हैं, सजीव है वो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। एक आपको पता होगा निर्जीव है, है ना, तो वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ सारणी दिया हुआ है, यहाँ वस्तु दे दिया है, सांस लेते हैं कि नहीं, वृद्धि करते हैं कि नहीं, भोजन करते हैं कि नहीं, अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं कि नहीं, सजीव है, निर्जीव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सजीव का तो डेफिनेशन देख लिया है, तो उससे आप अगर समझ गए होंगे तो इसको करने में आपको और सरलता होगी। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, भोजन भी करते हैं और अपने समान जीव उत्पन्न भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सजीव हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता क्या है आपका, कुर्सी। कुर्सी ना ही सांस लेता है, ना ही वृद्धि करता है, ना ही भोजन करता है, ना ही अपने समान जीव उत्पन्न कर सकता है, तो ये कैसे हो जाएंगे, आपके निर्जीव हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टेबल। टेबल भी क्या है ना, आपका सांस लेगा, वृद्धि करेगा, भोजन करेगा, नहीं अपने समान क्या करेगा, जीव उत्पन्न करेगा, तो ये भी कैसा है आपका, निर्जीव, ठीक है। फिर आता है कुत्ता। ये क्या होता है आपका, सांस लेता है, वृद्धि करता है, भोजन करता है, अपने समान जीव उत्पन्न करता है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, सजीव हो जाएगा, ठीक। फिर आता है गाय। सांस लेता है, वृद्धि करता है, भोजन करता है, अपने समान जीव उत्पन्न करता है, क्या हो जाएगा, सजीव। फिर आता है पत्थर, घर और चिड़िया। तो पत्थर ना ही सांस लेता है, ना ही घर, ठीक है, वृद्धि ना ही पत्थर करता है, ना ही चिड़िया, सॉरी घर। चिड़िया क्या करती है, सांस लेती है, वृद्धि करती है। पत्थर क्या करता है आपका, भोजन करता है, नहीं करता। घर करता है, नहीं करता। चिड़िया करती है, करती है, ठीक है। पत्थर क्या है आपका, अपने समान जीव उत्पन्न करता है, नहीं करता। घर करता है, नहीं करता। चिड़िया करती है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, निर्जीव हो जाएगा, कौन सा, पत्थर। घर भी आपका क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, लेकिन जो चिड़िया रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, सजीव रहेगी। तो यहाँ पर जो हमने परिभाषा देखा था वो क्या है, सही है कि वो क्या करते हैं, सजीव किसे कहते हैं, जो सांस ले ले, वृद्धि करता है, भोजन करता है, अपने समान क्या करता है, जीव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं,
सजीव कहते हैं। तो उसके भी हम क्या यहाँ पर थोड़े से लक्षण देखे थे, है ना, हम उसके और अक्षर लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि श्वासन, है ना, मतलब वो सांस लेता है कि नहीं लेता है। तो आगे देखते हैं, तो सभी सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है चाहे वो पेड़ हो या तो फिर पौधे हो या फिर आपका छोटे कीड़े मकोड़े हो या तो फिर मनुष्य हो, है ना, या तो फिर जो भी जानवर है, बंदर हो गया, हाथी हो गया, वो सारे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन के समय क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को, ठीक है, जिसे हम कैसे करते हैं, O2 लिखा जाता है, उसको क्या लेते हैं, लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके क्या रहेंगे, सजीव रहेंगे, वो ये क्रिया करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें कि जो पौधा भी है वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, वो सिर्फ अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी सजीव रहते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो उसका एक लक्षण हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको जानने के लिए, इसको और समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो उसके लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए रहेगी। तो क्या क्या चाहिए रहेगा, ढक्कन सहित बोतल, रुई, धागा, चने से सूखे बीज, चने के अंकुरित बीज, फिनोप्थेलिन, कॉस्टिक सोडा, फिनोप्थेलिन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कॉस्टिक सोडा मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं NaOH, जो क्या रहता है, क्षारीय रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अम्लीय और क्षारीय पता होगा, है ना। क्षारीय, क्षारीय मतलब क्या होता है आपका, जो क्या करेगा, लिटमस पेपर से आप पता होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिया है, फिनोप्थेलिन, ठीक है। तो फिनोप्थेलिन क्या होता है आपका, ये सूचक रहता है, क्या है आपका, सूचक, जिसे हमें पता चलता है कि कौन सा जो केमिकल है, जो रसायन है, वो क्षारीय है या फिर अम्लीय है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो फिनोप्थेलिन रहता है वो कैसा रहता है आपका, रंगहीन रहता है, कैसा रहता है, रंगहीन रहता है। जब हम उसको क्या करते हैं, अम्लीय के साथ क्या करेंगे, क्रिया करते हैं, तो वो कैसा रहता है, रंगहीन ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं उसको, ये फिनोप्थेलिन को क्या करते हैं, पी मतलब फिनोप्थेलिन, ठीक है, उसको हम क्षारीय से क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो वो गुलाबी कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वो सूचक देता है, अगर अम्लीय है तो वैसा का वैसा रहेगा, अगर क्षारीय है तो गुलाबी कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कॉस्टिक सोडा है, वो क्या है, क्षारीय है। तो जैसे ही हम फिनोप्थेलिन और कॉस्टिक सोडा को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो कैसा कलर का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। लेकिन वही गुलाबी रंग को हम क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो कैसा हो जा रहा है आपका, रंगहीन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा है आपका, अम्लीय है, कैसा है, अम्लीय है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्रियाकलाप आगे देखते हैं। तो हमको क्या करना था, यहाँ पर 3 ठोक बॉटल लेना था, ठीक है, ढक्कन वाला, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 ठोक बॉटल है, आ, बा और सा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, रुई ले लिया है, रुई में क्या कर लिया है, जब जैसे हमने देखा था कि हमने क्या किया है, जब फिनोप्थेलिन और कॉस्टिक सोडा को मिलाया तो वो कैसा हो गया, गुलाबी रंग का हो गया है। तो गुलाबी रंग का हम क्या कर दे रहे हैं, कॉटन में भिंगा दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक क्या कर रहे हैं, एक बॉटल के अंदर है, एक बॉटल के बाहर है, ठीक है, ऐसे ही हम सबको रख देंगे। पहले वाले में सूखे बीज हैं, दूसरे में अंकुरित बीज हैं, तीसरे में क्या है, खाली बॉटल है, ठीक है। तो आप कम से कम क्या करेंगे, 30 मिनट, है ना, 30 मिनट भी आप रख देंगे, और फिर देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, सूखे बीज में जो क्या है आपका, क्या बोलते हैं, जो गुलाबी रंग था वो क्या होगा, हल्का वाइट वाइट हो रहा है, जबकि अब बी वाले बा में देखेंगे तो क्या हुआ, पूरी तरह से सफ़ेद हो गया है ना अंकुरित वाला, और खाली बॉटल में कुछ जैसा कलर था वैसे कलर हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो बीज है ना, ये जो बीज है वो क्या हो रहा है आपका, सांस ले रहा है। तो सांस ले रहा है तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका, रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या बोलते हैं, गुलाबी रंग से क्या करेगा आपका, रिएक्ट करेगा, तो वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो अंकुरित वाला है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, जो कॉटन है वो सफ़ेद हो जा रहा है ज़्यादा, जबकि ये जो क्या बोलते हैं सूखे बीज है उसमें भी श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, पर वो थोड़ा क्या हो रही है, धीरे हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस क्रियाकलाप से समझ में आ गया होगा कि जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। क्लियर। इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि जीवों में श्वसन होता है सूखे बीजों में श्वसन की दर, ठीक है, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, दर कम होती है, जबकि अंकुरित बीजों में श्वसन द्वारा अधिक होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो क्या बोलते हैं अंकुरित बीज है उसमें ज़्यादा श्वसन हो रहा है, ठीक है, जो सूखे बीज है उसमें कम हो रहा है। ठीक, अब हम क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे, लक्षण हम पढ़ेंगे श्वसन। ठीक है, श्वसन वह मतलब परिभाषा है, प्रक्रम है, जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है, और इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि श्वसन वह प्रक्रम मतलब कि वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण है ना, जो भी हम खाते हैं उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। जो भी क्रिया है अगर वो ऑक्सीजन के द्वारा हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जितना भी भोजन हम खाते हैं उसमें हमको क्या करना रहता है, ऑक्सीजन से क्रिया करवानी पड़ती है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और क्या चीज़ें बाहर छोड़ी जाती है, जब हम अंदर लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है, और ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन करते हैं। ये श्वसन की क्या है, परिभाषा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवों में पोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जीव रहते हैं उसमें क्या होता है, पोषण होता है, न्यूट्रिशन उनको मिलता है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि बिना भोजन के शरीर सुस्त हो जाता है और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए खाना ना दिया जाए, या तो फिर आप एक टाइम भी नहीं खाएंगे या एक दिन भी नहीं खाएंगे, तो आपका शरीर किस प्रकार से सुस्त हो जाता है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है ना, आप काम नहीं कर पाते। आप खाना खाएंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार अगर हम पौधे को क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, अंधेरे में रख दे रहे हैं, ना उसे धूप मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी पत्ती क्या होती है, मुरझाती जाती है ना। तो यहीं पर बोला गया है कि बिना भोजन के शरीर सुस्त हो जाता है और ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार पौधे की पत्तियाँ धीरे धीरे पीली पड़ जाती है अगर आप उसे समय समय पर पानी या फिर उन्हें धूप नहीं मिलेगा, और पौधे सूखने लग जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, अगर उसे कुछ समय के लिए अंधेरे और पानी ना दिया जाए। अर्थात सभी सजीव पोषण करते हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जितने भी जो सजीव हैं उन्हें क्या चाहिए रहता है, पोषण खाना चाहिए रहता है, बिना खाना के कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पोषण समझ में आ गया होगा, है ना, कि वो किस प्रकार जीव के लक्षण, सजीव के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो पोषण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, बहुत संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतुओं भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या है, ये असंपूर्ण प्रक्रिया है, पूरा प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, जितने भी जीव जंतु हैं वो भोजन लेते हैं, और भोजन लेने के बाद जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, जो भी आपका रहेगा डेली रूटीन वो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो पोषण के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, हमारा जीवों में उत्सर्जन होता है। ठीक है, जो भी आप क्या खाएंगे, आप खाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो भी आप खा रहे हैं वो सारे हमारे उपयोग में आते हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं जो क्या रहते हैं, अनुपयोगी रहते हैं। तो अनुपयोगी को क्या करते हैं, हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो सजीवों के शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है, अगर हम भोजन करते हैं तो कुछ ऐसे चीज़ें बनती हैं हमारे शरीर में जो हमारे ही शरीर के लिए क्या हो जाती हैं, हानिकारक हो जाती है। ठीक है,
और इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। और इसे क्या करना है हमारे सर, क्योंकि वो हानिकारक है, तो जो हानिकारक है उसे तो शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी ही है। और इन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन करते हैं। और जब हम क्या करते हैं, ये जो बाहर निकालते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे में आपने गम देखा होगा, है ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होते हैं, उसके अपशिष्ट पदार्थ है जो पौधे निकालते हैं, है ना। आपका क्या रहता है, जो मल मूत्र आप निकालते हैं वो क्या रहता है, आपका अपशिष्ट पदार्थ है जो आप शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आई होप कि आपको ये लक्षण भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उत्सर्जन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, शरीर से अपशिष्ट, है ना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे बाहर आप जो निकाल रहे हैं उसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। सजीव गति करता है, ठीक है, तो जितना भी आपका सजीव है वो क्या करेगा, गति करेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। ठीक है, तो पौधों में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, सभी पौधे नहीं करते हैं पर मोस्टली जो पौधे रहते हैं वो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या बोलते हैं सूर्यमुखी, है ना, सूर्यमुखी है वो भी क्या करता है, आपका सूर्य का जो किरण रहता है उसके प्रति क्या करता है, मुड़ता है। ठीक है, तो वो भी आप क्या है, एक प्रकार का गति ही है। तो जितने भी सजीव रहते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाना, जैसे जंतु भी चलकर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, गति किसको बोलेंगे, एक से दूसरी जगह जाना। तो अलग अलग क्या बोलते हैं, जंतु अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे हम अपने पैरों की सहायता से एक से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्या बोलते हैं, फिन्स के उस हेल्प से जाते हैं। ठीक है, पूछ रहती है उनके पास उससे जाते हैं, कोई उड़कर जाते हैं। तो अलग अलग जंतु क्या रहते हैं, गति करते हैं अलग अलग क्या बोलते हैं, प्रकार से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कुछ चलकर, उड़कर, तैरकर, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अर्थात सभी सजीव गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जितने भी आपके रहेंगे सजीव वो सारे क्या करेंगे, गति करते हैं, किंतु पेड़ पौधे के स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु इनमें तना प्रकाश की ओर और तथा जड़ प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है, अर्थात पौधे भी गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैंने सूर्यमुखी का एक एग्जांपल दिया, और एक और चीज़ है कि जो उसका तना रहता है वो हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करता है, सूर्य जहाँ पर रहता है वहाँ, और जो उसका जड़ रहता है वो क्या रहता है, जो सूर्य का प्रकाश है उससे विपरीत दिशा की जाने की और कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, गति करते हैं। तो आई होप कि आपको ये लक्षण भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम, ठीक, सेकंड हम देखेंगे क्या सजीवों में संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई चींटी काट रहा है या मच्छर काट रहा है, आप सबसे ज़्यादा पहले क्या करते हैं, उसे मारते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहा है, जो चींटी आपको काटी है उसका आप क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना, वही क्या कहलाता है, आपका संवेदनशीलता कहलाता है कि आपके आसपास जो हो रहा है उससे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुली। क्लियर, तो देखते हैं कि सारे सजीव कैसे संवेदनशील होते हैं। जब हम गाय को रोटी या घास दिखाकर बुलाते हैं, या फिर हमारे मनपसंद पकवान देखने पर हमारे मुंह में पानी आता है, या फिर जलती हुई मोमबत्ती की लौ के ऊपर आपका हाथ पड़ता है तो उसे हटा दिया जाता है, यह क्रियाएं संवेदनशीलता के कारण होती हैं, है ना। इसमें क्या बोला है कि आप कुत्ता हो गया, गाय हो गया, उसे रोटी देंगे या फिर घास देंगे तो वो क्या होता है, उसको देख के वो क्या करता है, रोटी और घास को देख के वो क्या हो रहा है, आपकी ओर आ रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपका मनपसंद पकवान दिख रहा है तो आपको क्या लगने लगती है, भूख लगने लगती है, जो बन रहा है और आपको भूख लग रही है वो भी क्या है, आप रिएक्ट कर रहे हैं पकवान से, है ना, फिर आपका क्या बोलते हैं, हाथ मोमबत्ती में आ जा रहा है तो आप तुरंत हटा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके वजह से हो रहे हैं, संवेदनशीलता की वजह से हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही है आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये सारे जीव हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। पेड़ पौधे में भी संवेदनशीलता होती है, जैसे कमल के फूल का सूर्य उदय के समय खिलना, सायंकाल के समय बंद होना आदि। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, पेड़ पौधे में भी होते हैं, जैसे कमल का फूल कब खिलेगा, जब सूर्य उदय होता है, और बंद कब होता है, जब सूर्य क्या बोलते हैं, सायंकाल में जब क्या होता है, सूर्य अस्त होता है तब। ठीक है, तो कुछ हम देखेंगे कि कैसे पेड़ पौधे संवेदनशीलता दिखाते हैं क्रियाकलाप से। तो चलिए पहला क्रियाकलाप देखते हैं। ठीक है,
तो क्या है, पहले उसके लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए। गमले में लगा पौधा, खेत वाला, ठीक है, छेद है, ठीक है, ये क्या होगा आपका, छेद वाला क्या रहेगा, बॉटल, ठीक है, डिब्बा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डिब्बा रख लिया है, ठीक है, उसमें एक क्या कर दिया, छेद कर दिया है, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका, गत्ते का डिब्बा है और उसमें हमने क्या कर दिया है, एक गमला को रख दिया है। अब क्या करना है, इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है आपका वो कहाँ की ओर झुक रहा है आपका, जहाँ छेद है वहाँ। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहीं से आपको क्या मिल रहा है, सूर्य का किरण मिल रहा है। तो वो क्या हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के किरण की तरफ जान गति करते हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है आपका, सूर्य के प्रकाश को देख के क्या कर रहा है आपका, संवेदनशीलता दिखा रहा है, रिएक्ट कर रहा है और उसी की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पेड़ है वो क्या रहता है, सूर्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। तो चलिए और देखते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या क्या आपका होता है, ठीक है। तो एक और है आपका क्या, छुई मुई, ठीक है। तो आप देखे होंगे जो भी ये प्लांट है, आप ऐसे ही वो क्या करते हैं, उसको छूते हैं तो उसकी पत्तियाँ क्या होती है, बंद हो जाती हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आप जैसे ही छू रहे हैं तो छूने की वजह से क्या हो रहा है, उनमें संवेदनशीलता होती है और रिएक्ट किए उसमें क्या करते हैं, पत्तियों को बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्या है आपका, संवेदनशीलता होती है, ये क्या है आपकी, संवेदनशील है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट के खिलाफ से और भी आपको क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, संवयस्क वाले एक बोतल, रुई, काला कागज, केचुआ, ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, एक बोतल ले लेंगे, बोतल के अंदर क्या कर देंगे, हम एक केचुआ को रख देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, रुई से ढक देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक ब्लैक पेपर लेंगे, काला पेपर लेंगे और उसको बॉटल के साइड में लगा देंगे, ठीक है। अब वो बॉटल को हम क्या करेंगे, सूर्य के किरण में रख देंगे। फिर जैसे ही सूर्य के किरण में रखेंगे तो कुछ देर बाद आप देखिएगा जो केचुआ है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, देखिए इसकी मुंडी कहाँ पर है, जहाँ पर काला कलर का पेपर है वहाँ पर जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि केचुआ को क्या है, आपका सूर्य पसंद नहीं है, इसलिए वो कहाँ जा रहा है, उससे बचने के लिए क्या कर रहा है, काले पेपर की तरफ जा रहा है। इससे हम देख सकते हैं कि जो केचुआ है वो क्या है, आपका सूर्य के किरण से संवेदनशीलता होती है और वो क्या हो रहा है, उससे दूर भाग रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे छुई मुई को आप छूने से पत्तियाँ का फोल्ड होना, ठीक है, आपका ये क्या बोलते हैं, जो जब आप क्या किए थे, एक और क्रियाकलाप आप किए थे जिसमें क्या था, जो स्टेम है ना, जो तना है वो कहाँ जा रहा था, सूर्य के किरण में जा रहा था। ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं, आपके संवेदनशीलता की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। केचुआ प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, वह अंधकार की ओर गति करता है। तो जो उससे मैंने बताया था, जो केचुआ है वो किसके प्रकार क्या बोलते हैं, प्रकाश के प्रति क्या रहता है, संवेदनशील होता है, इसलिए वो कहाँ जाता है, छाव की तरफ जाता है, और छाव उसको कहाँ मिलता है, काले पेपर में, ठीक है। तो आई होप कि आपको संवेदनशीलता में कोई भी डाउट नहीं है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सजीवों में वृद्धि, हम क्या देखेंगे, सजीवों में वृद्धि देखेंगे। अब देखे होंगे कि आप जब छोटे थे तो बहुत छोटे थे, फिर धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, फिर एक निश्चित टाइम तक ये क्या हो गया, आप बढ़ेंगे। वैसे ही जैसे कि आप कुछ पौधा लगाना है तो आप क्या बीज को लगा रहे हो, फिर धीरे 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 करके क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। अपने सभी प्राणियों के बच्चों को लंबाई में बढ़ते देखा है, इसी प्रकार पौधे में भी वृद्धि होती है, ठीक है। जिस प्रकार अपने बच्चों को बढ़ते देखा है उसी प्रकार पौधों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जंतु निश्चित आयु तक ही बढ़ते हैं जबकि पौधे अपने पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब देखें कि छोटा सा बेबी होता है फिर वो एक टाइम तक ही बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है, लेकिन जो पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो एक असीमित है ना, यानी कि जीवन काल में बढ़ते ही रहते हैं, उनका कोई समय निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जितने भी सजीव रहते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वृद्धि, आखिर वृद्धि आखिर आप किसको बोलोगे। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। तो वृद्धि किसको बोलोगे, जो वो अंग बढ़ेंगे और उसमें जो क्षमता करने का कार्य रहता है वो भी बढ़ता रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो और देखते हैं कि क्या क्या सजीव के गुण होते हैं, ठीक है। सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं,
ठीक है। सजीव क्या होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। एंड आई होप कि आपको पता है कि कोशिका होता क्या है ना। कोशिका आखिर क्या है? आपका जो भी सजीव रहते हैं, जो भी आपका बॉडी रहता है, उसका क्रियात्मक और रचनात्मक क्या रहता है? इकाई होता है, उसे ही हम कोशिका कहते हैं। और क्या रहते हैं? जितने भी आपके सजीव रहेंगे वो सारे कोशिका से रहते हैं, चाहे वो एक कोशिका हो, अगर उसमें सिर्फ एक कोशिका रहे और एक से अधिक कोशिका रहेगी तो वो क्या हो जाती है? बहुकोशिका रहे। तो ये जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, वो किससे बने होते हैं? आपके कोशिका से। वेरी गुड। चलिए तो इसे और देखते हैं। जिस प्रकार घर छोटी छोटी ईंटों से है ना, क्या है, ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जंतु तथा पौधे का शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, कोशिकाओं की संरचना को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है, जैसे कि आप दीवार देखते हैं, तो दीवार आप देखेंगे तो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखा जाता है। ठीक है, तो दीवार का इकाई क्या है? ईंट है। उसी प्रकार हमारा बॉडी भी बना हुआ है और हमारा बॉडी का इकाई क्या होता है? आपका कोशिका होता है। ठीक है, तो हमारा जो दीवार का जो इकाई है अब वो क्या है? आपका ईंट। और हमारा जो इकाई होता है बॉडी बनने का, वो क्या होता है? कोशिका होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है और कैसे हमारा बॉडी उससे बना हुआ है। और कोशिका इतनी छोटी होती है कि वो आपको नेकेड आई है ना, खुली आंखों से नहीं दिखाई देगी। उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ठीक है, कोशिका। तो कोशिका होती क्या है? सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रयासवतः जन्म की समस्त रखती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या है? इकाई है। और जितने भी क्या रहते हैं आपके जो प्रत्येक है ना, जैसे कि क्या है, आपका पेड़ है, तो पेड़ भी क्या करेगा? उसी प्रकार का क्या करेगा? अगर वो टूटेगा तो क्या होगा? पेड़ ही बनाता है। ऐसा क्यों होता है? जो कोशिका है ना, वो क्या करेगा? आपका टूटेगा, डिवाइड होगा। बेसिकली क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा और फिर क्या हो जाएगा? दो कोशिका का निर्माण करता है। तो इससे पता चलता है जो कोशिका बनती है वो क्या होती है? पूर्ण, जो पहले से कोशिका प्रेजेंट रहती है उसी से क्या होती है? न्यू कोशिका बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कोशिका भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जितने भी आपको सजीव देखेंगे उसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रजनन की क्रिया होती है। अब प्रजनन क्या है? ठीक है, ऐसा क्रिया जिसमें क्या होते हैं, जो भी सजीव होते हैं वो अपने ही प्रकार के क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं समान तरीके से। जैसे कि पेड़ है, ठीक है, बीज मिलता है, बीज को लगाओगे तो पेड़ होगा। ठीक है, बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे को देखोगे तो बिल्ली, तो अपने ही समान क्या करते हैं, वो सजीव उत्पन्न करते हैं, उसे हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन करते हैं। तो जितने भी सजीव रहेंगे उसमें आपको कौन सी क्रिया देखने को मिलेगी? प्रजनन। ठीक है, सभी सजीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडे से चूजे निकलते हैं, पौधे बीज उत्पन्न करते हैं, तो सभी से नए पौधे उगते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बिल्ली के बच्चे बिल्ली, मुर्गी अंडा देती है, अंडे से चूजे निकलेंगे, वो बाद में किस में चेंज हो जाएगी? मुर्गी में। जो आपका जो भी सीड है ना, जैसे आम है, आम का बीज को लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आम ही बनेगा। ठीक है, बरगद, बरगद का बीज को लगाओगे तो बरगद। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होते हैं, जो सजीव है अपने ही समान क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन का डेफिनेशन, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहा जाता है ना। अपने समान क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्रजनन समझ आ गया होगा। और सजीव भी, सभी जितने भी सजीव हैं वो क्या करते हैं? प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है ना। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं कि जितने भी आपको सजीव देखेंगे तो उसका भी क्या होता है? निश्चित काल होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, वृद्धि होती है, तो वृद्धि क्या होती है? पेड़ पौधों की होती है, लेकिन उसका जो जीवन काल है ना, कब तक कि वो जिंदा रहेगा, वो उसका क्या है? जीवन काल है। कोई कुछ समय के लिए रहता है, कुछ मिनट के लिए रहता है, कुछ घंटे के लिए रहता है, कुछ क्या बोलते हैं, सालों के लिए रहता है ना। तो ये क्या हो गया? उनका जीवन काल हो गया। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं कि आखिर में जीवन काल है क्या। सजीव पैदा होने के बाद एक निश्चित काल तक जीवित रहते हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस काल को जीवन का काल, सॉरी,
जीवन का जीवन काल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है वो क्या होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होंगे, फिर अपना क्या होते हैं, जीएंगे, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पैदा होने से लेके मरने तक के जो काल रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। और अलग अलग एनिमल में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्या होता है, आपका जीवन काल पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विभिन्न जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, यह जीवन का कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। तो वही बोला था, है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, मक्खियाँ होती हैं, कुछ घंटे के लिए रहती हैं, एक दिन के लिए रहेंगी, कछुआ हो गया कुछ बहुत सालों के लिए, 200 सालों तक के वो जिंदा रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न, है ना, मतलब कि आपका विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न क्या होता है, जीवन काल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं।